हनुमान जी जिसके साथ होंगे वही सरकार बना पाएगा इस बार। पेपर लीक तो पेपर लीक एक ही देखते हो, उसके अलावा भी कई मुद्दों पे उसने काम किया है, तो वो एक ड्रॉप की वजह से आप कांग्रेस को हटा थोड़े से, कोई और भी बहुत सारे काम किए हैं उसने। हनुमान जी अपने इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन सचिन जी तब भी उनका कोई वजूद भी नहीं है, तब कोई राजनीति में अभी तक कोई लंबा उन्होंने राजनीति रही भी नहीं है कि वो अभी उस पद के लिए या उस पोस्ट के लिए लड़ाई करे। कांग्रेस सरकार आती है तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा? बिल्कुल अशोक गहलोत। बीजेपी में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फिट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 5.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने कमर कस ली है और जमीन पर अपनी कोशिश करनी शुरू कर दी है कि हम कैसे अपनी सरकार को राजस्थान में ला सके, और कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि रिपीट कैसे करवा सके। सबसे बड़ा नाम है सचिन पायलट का, जो चंद महीनों पहले ऐसे नज़र आ रहे थे कि वो आर पार की लड़ाई चाहते हैं राजस्थान में, और अपने ही मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहे थे बातों ही बातों में। तो आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं इस पर आपकी क्या राय है, माहौल क्या लग रहा है, और कौन सी सरकार राजस्थान में बनती हुई देखना चाहते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आईपाल सिंह है। महिपाल? आईपाल सिंह। आईपाल, आईपाल जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जो प्लस अभी चल रही है राजस्थान की राजनीति में, वो से राजस्थान की जनता नाराज़ नहीं, उसके हिसाब से राजस्थान के स्टूडेंट भी पिछले आउट हो रहे पेपर, उनसे भी राजस्थान के स्टूडेंट में बड़ा आक्रोश है, और जनता उनके प्रति कांग्रेस की सरकार के प्रति उत्सुकता से बरकरार है कि कब इलेक्शन आए और कांग्रेस की सरकार को हटाए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता आपस में दोस्ती करते हुए दिख रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। क्या लगता है दोनों नेता एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं? नहीं, दोनों के बीच में मतभेद है और मतभेद जारी रहेगा जब तक। अभी सचिन पायलट पीसीसी में वहाँ पर है, अपनी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ पे वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे हैं कि हमें एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और भाजपा को टक्कर देनी है, उनको हराना है। वो इलेक्शन से पहले है, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे उससे पहले ये सब उनकी गठजोड़ की बात है, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तब जो पहले अब हम देख रहे हैं इलेक्शन तक ही उनको, या देखो 4.5 साल तक तो वो लड़ते आ रहे हैं, अब जैसे इलेक्शन आए तब इकट्ठे हो रहे वापस, और जैसे वापस इलेक्शन चले जाएंगे उसके बाद वो वापस ऐसे झगड़ते रहेंगे। तो जो पेपर लीक वाला मुद्दा है ये कांग्रेस के लिए गलत काम करेगा? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, वो पेपर लीक वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट उनके मन में उनके प्रति आक्रोश है कि तब वो इसको मुद्दे को उठाएंगे, और जोरों से करोड़ीलाल मीणा जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनका सहयोग। बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। दो है? अच्छा, और यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे खास तौर पे युवा मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? जी अनिल नाम है मेरा। अनिल जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले, क्या लगता है अनिल सरकार किसकी बनेगी? देखो अभी तो हमारे खुद के एग्जाम है सरकार के, हमें तो ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या लगता है माहौल किसके फेवर में ज़्यादा है, बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी? देखो पहली बात ये है, हम पढ़े हुए स्टूडेंट पहली बात इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि सरकार किसकी आएगी। अच्छा। क्योंकि हम जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी सरकार आएगी हमें तो उस सरकार में काम करना है, सरकार किसी की बने, बीजेपी की बने। अच्छा, कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे, कार्यकाल कैसा रहा कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस का सरकार का कार्यकाल देखे तो वो बहुत अच्छा कार्यकाल है, क्योंकि गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हुआ। वो देखो चिकित्सा को लेकर वो, या फिर अपने हेल्थ सेक्टर में जितनी भी योजनाएं देखे ना, तो राजस्थान सरकार की योजनाएं बहुत कारगर साबित हुई है। अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पे और युवाओं से बातचीत करते हैं। और क्या नाम है भैया आपका? अशोक। अशोक, पढ़ाई करते हो? जी हाँ। राजस्थान में चुनाव होने वाले, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो किसकी बनती है, पर हनुमान जी जिसके साथ होंगे वही सरकार बना पाएगा इस बार, हनुमान जी बेनीवाल। अच्छा, वो राजस्थान में 200 की सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या लगता है जो 200 सीटों पर चुनाव लड़कर वो बहुमत ला सकते हैं या कुछ टक्कर का मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में बहुत सारे नेता तैयार किए हैं। उन्होंने तैयार किए जैसे कि कुखराज गर्ग, इंदिरा बावरी, और भी युवा में विजयपाल बेनीवाल, विवेक मात्रा, और खूब सारी लंबी लिस्ट है। सचिन पायलट को बेनीवाल ऑफर दे रहे थे नई पार्टी बनाने का और साथ में आने का, तो कोई नहीं पता। अशोक गहलोत को लेकर क्या मानना है, कार्यकाल कैसा रहा अशोक गहलोत का?
बढ़िया है अशोक जी भी अच्छा है, लेकिन बेनीवाल साहब है आप बोल रहे हो उनके दम पर कोई पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। उनकी कार्यशैली अच्छी है बेनीवाल जी की, आज राजस्थान में जिसको भी जरूरत होती है सबसे पहले हनुमान बेनीवाल नाम याद आता है। नरेंद्र जी आप भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप बात कर सकते हो? हाँ बोलिए बिल्कुल। चुनाव होने वाले हैं, सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? जिनके कांग्रेस की बननी चाहिए, बाकी तो जो रुझान आएंगे उसी के बाद में, ऐसे तो कैसे कह सकते हैं। कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए? क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार घेर रही है कांग्रेस पार्टी को। पर्सनल थिंक है मेरी, भ्रष्टाचार की पर्सनल थिंक है, पर्सनल थिंक है। पेपर लीक, पेपर लीक तो पेपर लीक एक ही देखते हो, उसके अलावा भी कई मुद्दों पे उसने काम किया है, तो वो एक ड्रॉ बैक की वजह से आप कांग्रेस को हटा थोड़ी सकोगे, और भी बहुत सारे काम किए हैं उसने, उसकी आइडियोलॉजी है, उसके पुराने मनमुटाव भी है कांग्रेस, उसमें सचिन पायलट अशोक गहलोत में, तो वो मनमुटाव हो जाते हैं, वो सही हो जाते हैं, उसका कुछ नहीं है। मनमुटाव बिल्कुल आते हैं, आते क्यों नहीं है, मनमुटाव आते ही है, बाद में सब कुछ सही हो जाता है, राजनीति में सब कुछ चलता है, बाद में सही क्यों हो जाता है? अभी सचिन पायलट लग रहा है कि दोस्ती हो गई अशोक गहलोत सचिन पायलट में, एक साथ वो नज़र आए थे दिल्ली में आला कमान की बैठक के बाद, ना कुछ बयान आ रहा है, ना कुछ तंज कसे जा रहे हैं, नहीं तो पहली बातों में तंज कसे जा रहे थे। सर ये सब राजनीति का है, वोट आ रहे हैं पास में, सब कुछ सही हो जाता है, घर में भाई की लड़ाई होती है, उसके बाद में सब कुछ सही हो जाता है, 10-10 सालों से बोलते नहीं है, उसके बाद में भी सही होता है ना, ऐसे ही पार्टी में भाई भाई कांग्रेस सरकार आती है तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा? बिल्कुल अशोक गहलोत, अशोक गहलोत ही रहेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गजेंद्र है जी। गजेंद्र जी, राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? राजस्थान में सरकार देखो जिसके साथ हनुमान बेनीवाल उनकी सरकार बनेगी, लगभग इस बार ये लग रहा है कि बहुमत से सरकार आएगी, एक तरफी सरकार किसी की नहीं बोल रहा। अच्छा, एक तरफा किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, और हनुमान बेनीवाल जो तय करेंगे समर्थन के साथ। क्या लगता है किसके साथ जाएंगे हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस या बीजेपी? लगता तो अभी तक ऐसे ही है कि किसान के साथ, जो किसान की युवाओं की आवाज़ लेके चलती है उसी सरकार, उसके साथ जाएंगे हनुमान जी। बीजेपी या कांग्रेस में क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधते हैं, बीजेपी पे निशाना साधते हैं? देखो लगभग लग ऐसे रहा है कि कांग्रेस के साथ जाएंगे शायद, क्योंकि थोड़े बहुत वो भी किसान की तरफ सोचती है कांग्रेस पार्टी और युवाओं का सोचती है, उस हिसाब से लग रहा तो यही रहा कि हनुमान जी अपने इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी के साथ गए थे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो नहीं पाई, तो उन्होंने टाइम से वो वापस आ गए थे, उस हिसाब से लड़ाई चल रही थी अशोक गहलोत सचिन पायलट में। क्या लगता है लड़ाई पे क्या मानना है आपका? लड़ाई पे देखो ऐसा अभी तक तो ऐसे मान रहे कि सचिन जी वापस आ गए, और लेकिन सचिन जी तो अभी उनका कोई वजूद भी नहीं है, इतना कोई राजनीति में भी तक कोई लंबा उन्होंने राजनीति रही भी नहीं है कि वो अभी उस पद के लिए या उस पोस्ट के लिए लड़ाई करे, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए सीएम कैंडिडेट गहलोत इज बेस्ट, गहलोत ही रहेंगे और समर्थन देंगे हनुमान बेनीवाल गहलोत को। हाँ जी, लग तो ऐसा ही रहा है। तो राजस्थान में चंद ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है, नतीजे सामने आ जाएंगे, कुछ ही महीनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, अब देखना होता है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना था कि जो हनुमान बेनीवाल है आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद, वो तय करेंगे कि सरकार किसकी बने, क्योंकि किसी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं आएगा कि वो अपनी सरकार राजस्थान में बना ले। वहीं सचिन पायलट अशोक गहलोत के सवाल पर कहा कि सचिन पायलट आ जाएंगे वापस कांग्रेस में, और मनमुटाव होता है एक परिवार में होता है, तो उसी प्रकार एक पार्टी में भी मनमुटाव देखा जाता है, होता है। तो अब देखना होता है कि राजस्थान में होता क्या है, हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की राय आप तक पहुंचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।